नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ सोनम। सुबह के इस खास अंक में आप सभी का स्वागत है। शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता ने निगम में मारा छापा, कई कर्मचारी मिले गैर हाजिर। आरती के इकलौते बेटे ने सट्टे में कर्जवान होने पर कर्जा उतारने के लिए अपने ही घर में की 10 लाख रुपए और 40 तोले जेवर की चोरी, किला थाना पुलिस ने किया मामला दर्ज। 4 साल की बच्ची से दुष्कर्म करने के मामले में 35 साल के आरोपित को पुलिस ने किया गिरफ्तार, पकड़े गए आरोपी को लिया गया एक दिन की रिमांड पर। डीजीपी ने तेंदुआ पकड़ने वाले एसएचओ व बाकी पुलिस कर्मियों को प्रशंसा पत्र और नगद इनाम देकर किया सम्मानित। थाना इसराना पुलिस ने दो भाइयों पर चाकू से हमला करने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार, पकड़े गए आरोपी को लिया गया एक दिन की रिमांड पर, बाकी आरोपियों को जल्द किया जाएगा गिरफ्तार। सैयद टू पुलिस की टीम ने छोटू राम चौक के पास अवैध देसी पिस्तौल सहित युवक को किया गिरफ्तार, दोस्तों में रोब दिखाने के लिए रखता था पिस्तौल। इसराना में पेड़ की टहनी काटने पर हुए विवाद में रिवॉल्वर से फायरिंग कर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, 8 बार किया था फायर, आरोपी को भेजा गया जेल। सैयद टू पुलिस की टीम ने घरों में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार, आरोपी ने कबूली चोरी की 2 वारदातें, 1 जोड़ी पाजेब और 3,000 रुपए की नकदी भी आरोपी से बरामद। सैयद 3 ने बाइक चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को पकड़ने में हासिल की सफलता, चोरी की 3 बाइक और 1 साइकिल भी बरामद। मंत्री के निगम में छापा मारने के बाद निगम कमिश्नर ने बताया 2 कर्मियों को किया गया सस्पेंड, साथ ही बोले बरसाती मौसम को देखते हुए करवाए जा रहे हैं शहर में नाले साफ। उपायुक्त महोदय के आदेशों की पालना पूर्ण रूप से होगी, हमने पहले ही इसकी सफाई की व्यवस्था जो हमारी तरफ से होनी है वो हम करने जा रहे हैं, लेकिन अब इरीगेशन की तरफ से होगी। मेरे ख्याल उपायुक्त महोदय ने मीटिंग बुला रखी 12 बजे में, तो उसमें उनका पैसा आता सारा इरीगेशन डिपार्टमेंट के पास। फिर भी अगर कॉरपोरेशन की तरफ से किसी पैसे को खर्च करने की ज़रूरत होगी हम उसको जरूर करेंगे, और बाकी सभी नालों की माननीय मंत्री जी के रेगुलर रिपोर्ट जाती साफ करने के लिए। ड्रेन नंबर 1 जिसका डीसी साहब जिक्र कर रहे थे, उसको 12 बजे के बाद जो निर्णय होगा उसको फॉलो किया जाएगा और बिल्कुल शहर को साफ सुथरा रखा जाएगा। क्योंकि मेयर के बड़े सुबह सुबह फोटो आते हैं फेसबुक पे, वो खुद सफाई करवा रही है, सफाई कर्मचारी सफाई नहीं कर रहे कि या सिर्फ फोटो सेशन चल रहा है? नहीं, सफाई कर्मचारी सफाई कर रहे हैं। हमारे 1-2 टेंडर नहीं लगे थे, आपको पता है सभी को कि हमारे पास आदमी जितने चाहिए शहर को साफ करने के लिए वो नहीं है अभी तक। तो मेरी साहिबा अपने हिसाब से जाती है या जिसमें बहुत सारे पार्षद भी जाते हैं, कई बार हमारे दूसरे पॉलिटिशियन भी जाते हैं, जाना चाहिए, अच्छी बात है, ये तो हम भी जाते हैं, खुद भी जाते हैं। आज कमल गुप्ता जी ने छापा मार कार्रवाई की, कितने बजे पहुंचे थे और क्या था जी उसमें रहा? 9:17 पे माननीय मंत्री जी पहुंचे थे और उन्होंने सारा इंस्पेक्ट किया है, सारे रजिस्टर किए हैं, कुछ बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं और 48 घंटे के अंदर उन्होंने उसके बारे में रिपोर्ट मांगी है। अगले में 2-4 घंटे के अंदर रिपोर्ट तैयार करके ऊपर भेज दूँगा। किस चीज़ की रिपोर्ट मांगी है? जितने भी एबसेंट थे किस आधार पर थे, क्यों थे, कौन कौन सी ब्रांच में हैं और उनके क्या क्या काम हैं। मौके पर सस्पेंड 2 व्यक्ति किए हैं, उनके नाम अभी जो किस ब्रांच में काम करते हैं थोड़ी देर में मैं चेक करके आपको बता दूँ। 2 व्यक्ति सस्पेंड किए मौके पे। पब्लिक से भी बात की है सर उन्होंने? मीडिया से बात की खुल के नहीं, पब्लिक जो यहाँ पे थी उससे बात की उस वक्त, इस दौरान मीडिया से थी मीडिया की सारी रिकॉर्डिंग है उसमें। अच्छा, हाली पार्क कब दे जाते जाते हैं तो बता दीजिए। हाली पार्क हमारा लगभग तैयार है, पानी भरते ही इसको अगले महीने के अंदर मिल जाएगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ताजा अपडेट के लिए जुड़ रहे वॉइस ऑफ पानीपत के साथ नमस्कार। Add colors to your loving, life will be shining. You'll have a better future and you'll be smiling. Pai Sanskriti School, a better place, a better world. Pai Sanskriti School, sapno se behtar kal. Pai Sanskriti School, add colors to your learning. Pai Sanskriti School, your life will be shining.